एलडीसी जेई सिग्नल का स्टडी मटेरियल पाए मात्र 199 रुपये में, जिसमें 15 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, हैंड रिटन नोट्स, राजभाषा के क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज ई बुक अवेलेबल हैं। तो अभी पाने के लिए व्हाट्सएप करें 8651825383 पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कोचिंग सेंटर में। आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन रेलवे सिग्नलिंग के एसएनटी डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे गए 110 क्वेश्चंस विथ आंसर्स लेकर आया हूं, जो कि आगे आने वाली सभी एलडीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन इज, इन टी डब्ल्यू एस द स्लीपर स्पेसिंग बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ स्लीपर्स शैल बी डैश mm। टी डब्ल्यू एस पॉइंट में तीसरे और चौथे स्लीपरों के बीच स्लीपर का अंतर कितना mm होता है? तो 745 mm होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू इज, नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ एन ऑटोमेटिक सिग्नल इज, स्वचालित सिग्नल का सामान्य एस्पेक्ट क्या होता है? तो स्वचालित सिग्नल का सामान्य एस्पेक्ट प्रोसीड होता है, मींस ग्रीन एस्पेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, कैश साइडिंग शैल बी प्रोवाइडेड, कैश साइडिंग किसके लिए प्रदान की जाती है? तो स्टेशन सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर इज, फॉर इंक्रीजिंग स्पीड अप टू 130 km/h द स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग प्रोवाइडेड एट अ स्टेशन इज, 130 km/h तक की गति बढ़ाने के लिए एक स्टेशन पर इंटरलॉकिंग को कौन सा मानक दिया जाता है? तो स्टैंडर्ड थर्ड मानक दिया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव इज, रूट इंडिकेटर के साथ स्टॉप सिग्नल में ऑफ एस्पेक्ट तब प्रदर्शित किया जा सकता है जब डैश या अधिक संख्या में रूट LED जलाए जाते हैं, तो मिनिमम 3 LED जलने चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, एच आर पिकअप होता है कब? तो HR पिकअप होने के लिए RR पिकअप होना चाहिए, UCR पिकअप होना चाहिए और ASR ड्रॉप होना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन इज, मेजरिंग ऑफ केबल इज डन टू, केबल की मेजरिंग क्यों की जाती है? तो कम इंसुलेशन वाले कंडक्टरों का पता लगाने के लिए, टू डिटेक्ट कंडक्टर्स विथ लो इंसुलेशन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट इज, द मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्साइटेशन ऑफ QTA2 टाइप रिले इज डैश ऑफ रेटेड पिकअप वोल्टेज रेस्पेक्टिवली, 125% मिनिमम एक्साइटेशन एंड मैक्सिमम एक्साइटेशन 300%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन इज, अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ BPSC इक्विपमेंट शुड बी लेस देन 1 ohm। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन इज, द पिकअप वोल्टेज शुड बी डैश ड्रॉप अवे वोल्टेज ऑफ अ रिले, ग्रेटर देन ड्रॉप अवे वोल्टेज ऑफ अ रिले। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज, द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेज अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन अ नेटवर्क इज इक्वल टू, किसी नेटवर्क में किसी भी बंद पथ के वोल्टेज का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो 0 होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज, व्हेन होम सिग्नल इज टेकन ऑफ एंड देन इफ TSR कंट्रोलिंग ट्रैक इज मोमेंटली ड्रॉप्स एंड पिक्स अप, देन जब होम सिग्नल टेक ऑफ किया जाता है और तब TSR कंट्रोलिंग ट्रैक क्षण भर के लिए ड्रॉप हो जाता है और फिर पिकअप हो जाता है, तो क्या होगा? तो सिग्नल अस्थायी रूप से डेंजर हो जाता है, मीन्स रेड एस्पेक्ट में चला जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज, चोक इज यूज इन ट्रैक सर्किट टू, चोक का प्रयोग ट्रैक सर्किट में क्यों किया जाता है? तो ट्रैक रिले की AC इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज, मैंडेटरी विजिबिलिटी ऑफ परमिसिव सिग्नल इन MACLS इन सिंगल डिस्टेंस टेरिटरीज डैश मीटर 400 मीटर
होती है। सिंगल डिस्टेंस टेरिटरी में मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग में परमिसिव सिग्नल की अनिवार्य दृश्यता 400 मीटर होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज इंटरलॉकिंग पॉइंट का ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट में उपयोग किया गया टेस्ट पीस की मोटाई कितनी होती है? तो 5 mm तक की मोटाई होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज होम सिग्नल इज डैश ऑफ अ स्टेशन। होम सिग्नल किसी स्टेशन का क्या होता है? तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हेन ट्रेन पासेज IB सिग्नल एट ऑन पोजीशन डैश इंडिकेशन अपीयर्स। तो K1 इंडिकेशन अपीयर्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज गुड्स वार्निंग बोर्ड इन सिंगल डिस्टेंस टेरिटरी इज प्लेस्ड एट नॉट लेस देन डैश मीटर फ्रॉम द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल 1400 मीटर। गुड्स वार्निंग बोर्ड फर्स्ट पहले स्टॉप सिग्नल से कम 1400 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज क्यू सीरीज रिले कॉन्टैक्ट्स आर मेटल टू कार्बन, धातु से कार्बन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज डिसकनेक्शन मेमो इज टू बी गिवन फॉर डिसकनेक्शन मेमो किन कारण के लिए लिया जाता है? तो पॉइंट मशीन अगर बदलना हो तो भी लिया जाएगा, ट्रैक रिले को भी बदलना हो तो भी लिया जाएगा, और ट्रैक टेल केबल को भी बदलने के लिए डिसकनेक्शन मेमो की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज फॉर द माइनर पेनाल्टी स्टैंडर्ड फॉर्म इज इशूड। माइनर पेनाल्टी के लिए कौन सा प्रपत्र जारी किया जाता है? तो SF-11। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज इन डबल डिस्टेंस टेरिटरी ग्रीन ऑन इनर डिस्टेंस एंड ग्रीन ऑन फर्स्ट स्टॉप सिग्नल इंडिकेट्स। डबल डिस्टेंस टेरिटरी में इनर डिस्टेंस पर अगर ग्रीन एस्पेक्ट है और FSS पर भी ग्रीन एस्पेक्ट है तो क्या इंगित करता है? तो रन थ्रू को इंगित करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज द लोको पायलट ऑन इनकाउंटरिंग एन ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन सेल। लोको पायलट को स्वचालित सिग्नल ऑन मिलने पर क्या करना होगा? तो दिन में 1 मिनट रुकना है और रात में 2 मिनट प्रतीक्षा करके और प्रतिबंधित गति से आगे बढ़ना है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज इन इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग लाइन क्लियर इज नीडेड टू ऑपरेट। इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग में किस सिग्नल को संचालित करने के लिए लाइन क्लियर की आवश्यकता होती है? तो IB सिग्नल को संचालित करने के लिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज इन MS डेक टेरिटरी प्रोबेबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग रेल फ्रैक्चर थ्रू ट्रैक सर्किट इज। MS डैक क्षेत्र में ट्रैक सर्किट के माध्यम से रेल फ्रैक्चर की पहचान करने की कितनी संभावना होती है? 0%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज ट्रैक टेल केबल के रूप में उपयोग की जाने वाली केबल कौन सी होती है? तो ट्रैक के टेल केबल में 2 कोर के 2.5 square mm की केबल यूज की जाती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज इन TWS फर्स्ट होल ऑन द स्टॉक रेल फॉर स्टॉक रेल ब्रैकेट शैल बी एट डैश mm फ्रॉम द टिप ऑफ टंग रेल। TWS में स्टॉक रेल ब्रैकेट के लिए स्टॉक रेल पर पहला होल टंग रेल की टिप से कितने mm पर होना चाहिए? तो 450 mm पे होना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज इन केस ऑफ सिग्नल्स फॉलिंग विद इन 2 meters फ्रॉम द लाइव पार्ट्स ऑफ द OHE द प्रोटेक्शन स्क्रीन शैल बी कनेक्टेड टू द अर्थ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज गेट सिग्नल इन MSCLS टेरिटरी इज टू बी लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 180 meters फ्रॉम गेट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज वेन IB सिग्नल फेल्स SM ऑफ द रियर स्टेशन ट्रीट द एंटायर सेक्शन अप टू द ब्लॉक स्टेशन अहेड ऑफ IB सिग्नल एज एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज ट्रैक रिले यूज इन RE एरिया इज। आड़ी क्षेत्र में किस ट्रैक रिले का उपयोग किया जाता है? तो QTA2 ट्रैक रिले। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
32 इज पॉइंट्स इन ओवरलैप आर लॉक्ड बाय, ओवरलैप में पॉइंट को किसके द्वारा लॉक कर दिया जाता है, तो एल ओ एच आर या आर ओ एच आर द्वारा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 इज फंक्शन ऑफ डी सी डी सी मॉड्यूल्स इज, डी सी डी सी मॉड्यूल का क्या कार्य होता है, तो डी सी को डी सी में बदलने के लिए, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 इज इन एनी इंस्टॉलेशन अंडरग्राउंड केबल लेइंग पाथ इन द यार्ड शैल बी शोन इन सेपरेट सीट एज केबल रूट प्लान, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रैक रिले, इनमें से कौन ट्रैक रिले नहीं है, तो QS3, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इज पॉइंट इज सेट एंड लॉक इन नॉर्मल द कॉन्टैक्ट्स मेक इन ED असेंबली आर RC एंड ND, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इज AC यूनिटी ऑफ द पॉइंट मशीन इन डबल लाइन सेक्शन यूज्ड अप टू 1100 मीटर इज 160 वोल्ट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 इज ELD स्टैंड्स फॉर अर्थ लीकेज डिटेक्टर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इज HR ODR आर ट्रीटेड एज डैश टू द इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम वाइटल आउटपुट, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में HRDR को वाइटल आउटपुट माना जाता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इज कोटल लाइफ ऑफ अ सेकेंडरी सेल LMLA टाइप इज 5 ईयर्स, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इज LMLA बैटरी इज टू बी चार्ज इन, LMLA बैटरी को किस में चार्ज किया जाना चाहिए, तो कॉन्स्टेंट करेंट मोड में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 इज द नॉर्मल आउटपुट ऑफ चार्जर इन फ्लॉट मोड शैल बी डैश वोल्ट्स पर सेल 2.25 वोल्ट पर सेल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 इज इन द IPS सिस्टम व्हेन बोथ द इन्वर्टर्स फेल द लोड ऑफ सिग्नल लाइटिंग इज शिफ्टेड ऑटोमेटिकली टू CVT मॉड्यूल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 इज QSPA1 रिले कम्स इन द फॉलोइंग कॉन्टैक्ट कॉन्फिग्रेशन 8F4B, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 इज क्वाड केबल इज यूज फॉर, क्वाड केबल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो XL काउंटर कम्युनिकेशन के लिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 इज फॉर 3 aspect सिग्नल डैश नंबर ऑफ कंट्रोल रिलेज आर रिक्वायर्ड, 2 number ऑफ कंट्रोल रिलेज आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 इज वेन HR पिकअप HHR पिकअप DR पिकअप गिव्स डैश इंडिकेशन इन 4 aspect सिग्नल कंट्रोल सर्किट, तो DG इंडिकेशन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इज TOC मीन्स टेबल ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 इज फ्यूज टू बी यूज इन LED सिग्नल यूनिट इंस्टॉलेशन इज और आर 630 मिली एम्पियर्स, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 इज ऑल TPR NWKR RWKR आर वायर्ड इन टू डाटा लॉगर एज डिजिटल इनपुट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 इज द नंबरिंग इन डैश ब्लॉक वर्किंग आर एज ऑड नंबर्स इन वन डायरेक्शन एंड इवन नंबर्स इन द अदर डायरेक्शन ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 इज मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड इन स्टैंडर्ड 4 इंटरलॉकिंग इज 160 km/h, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 इज फॉर क्लियरिंग द होम सिग्नल क्लियर करने के लिए क्या आवश्यक है, तो होम सिग्नल क्लियर करने के लिए पॉइंट रूट में होने चाहिए और आइसोलेशन पॉइंट भी क्लियर होने चाहिए और पॉइंट ओवरलैप में भी क्लियर होने चाहिए, तो प्रयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 इज द लेंथ ऑफ केबल फॉर अर्थिंग बिटवीन BRC और MIB टू SPD शैल बी एज लेस एज पॉसिबल प्रेफरली लेस देन 1 meter, जितना संभव हो उतना कम होगा, प्रेफरली 1 meter से कम, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 इज क्रैंक हैंडल का प्रयोग किसके लिए प्रदान किया जाता है, तो विद्युत चालित पॉइंटों का संचालन के लिए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 इज
When track circuit is clear, route is not set and not locked. Track indication on panel is no indication. Option C is right answer. Next question number 57 is, testing of glute joint is done by 100 volt meter. Option A is right answer. Next question number 58 is, tail cable shall be measured once in 1 year. Option B is right answer. Next question number 59 is, block overlap in MACLS territory is dash meter. Multi-aspect color light signaling में block overlap कितना होता है, तो 180 meter और signal overlap 120 meter. वही टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग में ब्लॉक ओवरलैप 400 मीटर एंड सिग्नल ओवरलैप 180 मीटर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 इज, कोडल लाइफ ऑफ ईएलडी इन डी रूट इज, डी रूट में ईएलडी का कोडल लाइफ कितना होता है, तो 10 साल. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 इज, इन सेक्शनल रूट रिलीज द फर्स्ट रूट सेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय डैश रिले, एएसआर रिले. ऑप्शन डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 इज, इन आईपीएस इफ मेंस सप्लाई फेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स नो आउटपुट. आईपीएस में यदि मुख्य सप्लाई विफल हो जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कोई आउटपुट नहीं देता है, तो ट्रैक सर्किट के लिए ट्रांसफार्मर आउटपुट नहीं देता है. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 इज, डैश सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल टू बी मेंटेन्ड फॉर हार्डवेयर ऑफ एनी ईआई, एसआईएल 4. ऑप्शन डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 इज, एनडब्ल्यूकेआर आरडब्ल्यूकेआर्स आर ट्रीटेड एज डैश टू द इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम वाइटल इनपुट्स. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 इज, टीपीआरस आर treated as dash to the electronic interlocking system vital inputs. Option A is right answer. Next question number 66 is, FAT means fat ka full form kya hota hai, to factory acceptance test. Option A is right answer. Next question number 67 is, sequential root release is achieved by UIR1 and UIR2. Option A is right answer. Next question number 68 is, मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट रिलेज आर नोन एज प्रूव्ड टाइप रिले. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 इज, व्हेन होम सिग्नल इज टेकन ऑफ एंड इफ बर्थिंग ट्रैक इज मोमेंटरली ड्रॉप्ड देन सिग्नल प्ले बैक टू डेंजर मोमेंटरली एंड रिक्लियर्स अगेन. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 इज, इन जनरल केबल फॉर अर्थिंग विल बी ऑफ विच कलर, ग्रीन कलर. ऑप्शन डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 इज, नॉन ब्लैंकिंग मोड इन एलईडी शैल बी यूज्ड फॉर मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द सिग्नल. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 इज, द पॉइंट मोटर इज फिक्स्ड ऑन विच स्लीपर, थर्ड एंड फोर्थ स्लीपर. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 इज, अनलॉक ऑफ द पॉइंट फॉर क्लैंप टाइप पॉइंट मशीन इज 60 mm. ऑप्शन डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग रेल फ्रैक्चर ऑन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेल थ्रू कन्वेंशनल ट्रैक सर्किट इन आरई एरिया इज अप्रोक्सीमेटली 40%. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 इज, क्रैंक हैंडल कॉन्टैक्ट इन पॉइंट मशीन आर प्रूव्ड इन पॉइंट ऑपरेशन सर्किट. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 इज, करेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्रंट कॉन्टैक्ट्स ऑफ QBCA1 एट 110 वोल्ट DC इज 30 एम्पियर. ऑप्शन डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 इज, कवच और टीकास अवॉइड्स, कवच या टीकास किसको प्रिवेंट करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो हेड ऑन कॉलिजन आमने सामने की टक्कर को रोकने के लिए. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 इज, फॉर एक्सचेंजिंग बेल कोड्स इन FM हैंडल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स डैश इज टू बी ट्रांसमिटेड ऑनलाइन, DC नेगेटिव. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 इज, इन IPS द इनपुट वोल्टेज टू DC-DC कन्वर्टर्स इज 110 वोल्ट DC. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 इज,
टाइम रिलीज इंडिकेटर इज एक्टिवेटेड बाय द फॉलोइंग रिले इन FM हैंडल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स 3R ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 इज डैश बोल्ट्स DC मेगर इज यूज्ड ड्यूरिंग केबल मेगरिंग ऑफ सिग्नल केबल्स 500 वोल्ट DC मेगर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 इज सिग्नलिंग प्लान इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नलिंग प्लान किस बेसिस पे तैयार की जाती है तो इंजीनियरिंग स्केल प्लान ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 इज आरई क्षेत्र में DC ट्रैक सर्किट के लिए किस कनेक्शन को प्राथमिकता दी जाती है तो सीरीज पैरेलल कनेक्शन को ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 इज कॉपर स्लग इन क्यू सीरीज रिले इज मिंट फॉर AC इम्यूनाइजेशन ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 इज SS डैक यूज विथ ब्लॉक वर्किंग टाइप ऑफ रीसेट यूज इज प्रिपेटरी रीसेट ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 इज डेटा लॉगर्स आर यूज एज एट स्टेशंस और स्टेशंस यार्ड्स वेयर एज इन केस ऑफ ऑटो सेक्शन एंड IBH मिनी डेटा लॉगर नोन एज डैश यूज RTU यूज ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 इज मैक्सिमम डैश नंबर ऑफ रिले इनपुट्स कैन बी कनेक्टेड टू वन डिजिटल इनपुट कार्ड इन डेटा लॉगर 64 रिले इनपुट कैन बी कनेक्टेड टू वन डिजिटल इनपुट कार्ड इन डेटा लॉगर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 इज इन EI सिस्टम्स ASRs और UCRs WLR आर अवेलेबल इन एप्लीकेशन लॉजिक ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 इज ऑटोमेटिक सिग्नल्स इंटरलॉक्ड विथ लेवल क्रॉसिंग गेट्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रोविजन ऑफ G मार्कर येलो इनेमल डिस्क विथ अ लेटर G इन ब्लैक इन एडिशन टू इल्यूमिनेटेड A मार्कर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 इज कंप्लीट अराइवल ऑफ द ट्रेन इज चेक्ड बाय ट्रेन के पूर्ण आगमन की जांच किसके द्वारा की जाती है तो फिजिकल वेरिफिकेशन से भी कर सकते हैं और फिजिकल वेरिफिकेशन विथ टेल लैंप और कंटिन्यूअस ट्रैक सर्किट और एक्सेल काउंटर द्वारा भी ऑल दी अबव इज करेक्ट ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 इज इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ग्लूट ज्वाइंट शैल नॉट बी लेस देन 25 मेगा ओम ड्राई वेदर कंडीशन में ग्लूट ज्वाइंट का इंसुलेशन रेजिस्टेंस 25 मेगा ओम होता है और वेट वेदर कंडीशन में 3 किलो ओम ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 इज CL कैन बी कंबाइंड विथ LAP एज पर लेटेस्ट गाइडलाइंस नो एनी गाइडलाइंस ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 इज UFSBI स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंटरफेस ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 इज कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ QN1 रिले 24 वोल्ट इज 400 ओम ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 इज टू अचीव बायसिंग फीचर इन अ क्यू सीरीज रिले द फॉलोइंग इज यूज्ड परमानेंट मैग्नेट ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 इज इक्वेशन ऑफ साइनोसोइडल वेव फॉर्म ऑफ 230 वोल्ट AC 250 हर्ट्ज एट 50 हर्ट्ज इज 230 ओम टू साइन 100 थीटा टी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 इज रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कितना होता है तो इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 इज रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल इंडक्टर इज तो आइडियल इंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है तो 0 होता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 इज एज पर लेटेस्ट स्टैंडर्ड EI शैल बी प्रोवाइडेड विथ डैश स्टैंड बाय तो हॉट स्टैंड बाय ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 इज इन TWS फर्स्ट होल ऑन टंग रेल फॉर P ब्रैकेट शैल बी एट डैश MM फ्रॉम द टिप ऑफ टंग रेल 40 mm ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 इज बेन बाय द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स पास्ट राजभाषा नियम कब पारित किया गया था तो 1976 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 इज व्हाट इज द स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय रेलवे बोर्ड फॉर डूइंग वर्क इन हिंदी राजभाषा
व्यक्ति नगद पुरस्कार योजना। रेलवे बोर्ड द्वारा हिंदी में कार्य करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो राजभाषा व्यक्ति नगद पुरस्कार योजना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 इज हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 इज विच कमिटी रिव्यूज द प्रोग्रेस मेड इन द प्रोपोजिशन ऑफ हिंदी इन अ पार्टिकुलर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। हिंदी सलाहकार समिति, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 इज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राजभाषा किस ग्रुप में आते हैं? तो ग्रुप ए में आते हैं, क्षेत्र ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 इज व्हाट इज द लमसम अवार्ड फॉर पासिंग प्रज्ञ। प्रज्ञ परीक्षा पास होने पर दिया जाने वाला एकमुश्त पुरस्कार क्या होता है? तो 2400 रुपया होता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 इज हु आर ऑल दी एम्प्लॉयज क्लासिफाइड अंडर कैटेगरी ए। तो ए कैटेगरी के अधीन वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? तो वे कर्मचारी जिनकी मातृभाषा हिंदी या हिंदुस्तानी या उसकी बोली हो, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 इज हाउ मेनी टाइम्स इज द रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन अ ईयर। तो एक साल में 3 बार होती है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 इज इन विच ईयर हिंदी सेक्शन वाज एस्टेब्लिश्ड इन रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड में हिंदी अनुभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1960 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 इज हाउ मेनी टाइम्स आर द रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन अ ईयर। तो एक वर्ष में कितनी बार नियमित हिंदी परीक्षाएं चलाई जाती हैं? तो दो बार, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।